फाइनली सलमान खान सर की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर आ गया। एंड पर्सनली मुझे ट्रेलर काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। मतलब मैंने सोचा था कि यार, क्योंकि वरात साम जी की फिल्म है तो कुछ भी उल्टे पुल्टे डायलॉग्स होंगे एंड बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप होगा, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। मुझे ट्रेलर अच्छा लगा, मतलब ये नहीं कहूँगा कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बट हाँ अच्छा लगा। मेरी एक्सपेक्टेशंस एक्चुअल में इस फिल्म से बहुत ही कम थी, बट ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगता है कि ये शायद एक ठीक ठाक फिल्म होगी, क्योंकि इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं वो मुझे अच्छे लगे। स्पेशली जो एंड में जो सलमान खान कहते हैं वो वाला डायलॉग मुझे अच्छा लगा। एंड पूजा हेगड़े मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिसअपॉइंट करती है इस फिल्म में। ट्रेलर से तो मुझे इतना मालूम चला कि यार उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी और बेटर हो सकती थी। इसके अलावा सलमान खान की यार परफॉर्मेंस तो जैसी होती है यूजुअली वैसी ही है। एंड बाकी कास्ट जो भी है इस फिल्म में, राघव उज्वाल है, सिद्धार्थ आनंद है, तो सबकी परफॉर्मेंस तो हम फिल्म में ही देखेंगे। ट्रेलर में तो कोई खास उनका कुछ लुक है नहीं वैसा, कोई डायलॉग वगैरह है नहीं, तो बाकी मूवी में देखेंगे। पर ट्रेलर तो यार मुझे इम्प्रेसिव लगा। डायलॉग्स अच्छे हैं फरहाद सामजी के। एंड जब मैंने सुना था कि इस फिल्म को फरहाद सामजी डायरेक्ट करने वाले, तो यार थोड़ा बहुत डर मुझे भी था, बट धीरे धीरे वो डर मुझे लगता है कि देखो फरहाद सामजी ने अब तक 4 या 5 मूवीज़ डायरेक्ट की होंगी, और मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं जानबूझ के उनको बार बार टारगेट किया जाता है, जो ऐसा है नहीं। फिल्म का BGM भी मुझे अच्छा लगा, जो बैकग्राउंड में जो बज रहा था एंड एंड में जो बजता है किसी का भाई किसी की जान उस टाइप का, वो भी अच्छा लगता है। ये फिल्म देखो एक तेलुगु फिल्म वीरम का रीमेक है, सो देखते हैं कि ये फिल्म कैसी होगी। बट फिल्म तो यार देखो, जब मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा तो मुझे वो मतलब देख के लग रहा था कि यार किसी फिल्म की रीमेक ही है, किसी साउथ इंडियन फिल्म की रीमेक है। सो एंड यार मुझे देखो एक चीज़ जो मुझे लगता है कि जो हम कहते हैं कि एक जो बन गया आज के टाइम पे कि अगर सलमान खान की फिल्म में तो ओवर द टॉप एक्शन होगा ही, बट इस फिल्म के ट्रेलर में एटलीस्ट ट्रेलर से तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो बहुत ओवर द टॉप लगे या कोई ऐसा लगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है। जो चीज़ एक्चुअली में मुझे पुष्पा 2 के टीज़र में लगी कि यार थोड़ा बहुत ओवर द टॉप है, थोड़ा बहुत ओवर द टॉप मतलब ये कैसे पॉसिबल है, तो खैर मैंने उसके ऊपर मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं है, बाकी हम देखते हैं मूवी कैसी होती है। खैर पुष्पा 2 के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, बट किसी का भाई किसी की जान ये भी अच्छी लग रही है। ट्रेलर तो देखो यार मुझे अच्छा लगा, बाकी फिल्म कैसी होगी ये हम फिल्म देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि फिल्म बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं है, 21 अप्रैल को मूवी रिलीज़ हो रही है। सो लेट्स सी फिल्म कैसी होती है। आपको ट्रेलर कैसा लगा आप भी कमेंट में बताना, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।